गुस्सा तो कभी कर ही नहीं सकता, और खास करके ऐसे एक्टरों से मैं किसी एक्टर से गुस्सा नहीं करूँगी, तो मेरी फेवरेट है। मैंने इनके साथ पहले भी काम किया जैसा कि उन्होंने बताया। थैंक यू सर। मुझे ये लगा कि भाई ठीक है, अगर इनसे कुछ गाना गवाना है तो हमारे सैया सुपरस्टार का गाना गवाइए। तो ये मुझे, हाँ मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैडम सैया सुपरस्टार का गाना गाएं, सैया सुपरस्टार के बारे में बात करें। और थैंक्स इनको, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने अभी अभी काफ़ी तारीफ़ किया मुझे, और भाई भी तारीफ़ करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे हम लोग सब साथ में मिलकर काम करेंगे। थैंक यू। आने वाली फिल्म में, फिर से दूसरी फिल्म में भी मैडम के चांस है? बहुत चांस है, चांस क्या है, बहुत चांस है। हाँ, क्योंकि जिस वक्त सर देख लीजिए, उधर मेरे व्यूअर्स भी देख रहे हैं आपको, देख लीजिए अगर नई नेक्स्ट फिल्म है। लाइव टेलीकास्ट है सर। अभी अभी आपने तो कहा कि झगड़ा करते हैं, अभी मैडम ने क्या कहा? तो ये अधिकार है, ये इसको बोलते हैं अपनापन, इसको बोलते हैं प्यार। क्योंकि हम लोग तकरीबन, हमारा भी परिचय बहुत पुराना है, ठोकदेव में तो साथ में काम किया, बहुत पुराना परिचय है इनके मम्मी के साथ। हाँ, मम्मी, चूंकि मेरे मम्मी पापा एक्टर्स हैं, तो पापा के साथ काम किया, मम्मी के साथ काम किया। मैं तो बाद में आई हूँ, बट सर से बहुत ही फैमिलियर रिलेशन है मम्मी पापा का, तो थैंक्स ये बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। थैंक यू सर। इससे ज्यादा क्या बोलूँ, सब लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि एक बार अपनी फिल्म सैया सुपरस्टार प्लीज 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 गो एंड वॉच आवर फिल्म सैया सुपरस्टार, और नहीं देखे ना तो फिर मैं हर दिन डिस्टर्ब करने का प्लान तो कर ही ली हूँ फॉर श्योर, इसलिए प्लीज देखिए, प्लीज देखिए। थैंक यू सर।